राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होगी। विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की। उन्होंने बताया कि 10,121 कर्मचारियों की बहाली होगी और इसके लिए जुलाई में परीक्षा और जुलाई में ही नतीजे आ जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक और अहम जानकारी देते हुए बताया कि अब जमीनों की जमाबंदी सर्कल ऑफिसर यानी कि सीओ नहीं बल्कि LRDC करेंगे। आलोक मेहता ने कहा कि दाखिल खारिज एक सामान्य समस्या है और इसके लिए खास तौर से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए अब दाखिल खारिज होगा। अब परिमार्जन, अब जो मतलब जमाबंदी होगी, वो जमाबंदी सिर्फ सीओ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जमाबंदी का कार्य अलग अलग, जहाँ पर गलतियाँ हो गई हैं पहले से के डिजिटाइज, मतलब पहले के डिजिटाइजेशन के क्रम में, तो उसको देखेंगे DCLR। वो DCLR के जिम्मे है कि उसके उनके अनुमोदन के बाद ही वो फाइनल माना जाएगा। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर फिर करने के लिए 10,101 की वैकेंसी फिर निकाली गई, और उस वैकेंसी में जो बहाल होंगे जो लोग, उनको सर्वे के कार्य में लगाया जाएगा पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में